तनकीद इसलिए किया है उन्होंने कहा है इसका जो फोकस है प्रोग्रेसिविज़म का वो ये देखता है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं लेकिन जो असेंशिज़म है वो कहता है हमें ये देखना है कि बच्चे सीख क्या रहे हैं ठीक है अब फर्क देखें प्रोग्रेसिविज़्म कहता है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं और असेंशलिज्म कहता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं इसलिए उसने प्रोग्रेसिविज़म पर तनकीद किया है इससे पहले अगर आपने प्रॉपर कंसेप्ट असेंशियलिज्म का समझना है तो आपको सबसे पहले प्रेनीलिज्म का कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्रीनियलिजम क्या है उसके बाद आपने प्रोग्रेसिविज्म को प्रॉपर कंसेप्ट करना है फिर आपने एसेंशियलिज्म को दोनों वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है प्रीनियलिज़म की और प्रोग्रेसिविज्म की वो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा आप उनको भी पहले देख लें कंसेप्ट क्लियर कर लें फिर आपने असेंशियलिज्म जब आपने पढ़ना है या इसकी वीडियो वॉच करनी है तो फिर आपको इसका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नजर आएगा इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स स्कूल के स्टैंडर्ड uh, का उन्होंने अगेंस्ट किया है कि वो डाउनफॉल है दे क्रिटिसाइज प्रोग्रेसिविज्म फॉर नॉट टीचिंग अमेरिकन कल्चर असेंशियलिज्म ने uh, इसलिए भी उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि वो अमेरिकन कल्चर को टीच नहीं कर रहा है टीच कौन नहीं कर रहा है प्रोग्रेसिविज्म नहीं कर रही है असेंशियलिज्म काइंड ऑफ न्योप्रीनियलिज्म विथ रूट्स इन बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म असेंशियलिजम को नियोप्रीनियलिज्म इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसकी रूट आइडियलिज्म और रियलिज़्म है वैसे असेंशियलिज्म uh, का मतलब है असेंशियल uh, चीज़ें बेसिक uh, वगैरह वगैरह अब स्कूल का पर्पस क्या है आ, देखते हैं इट इज बोथ टू प्रिजर्व द नॉलेज एंड वैल्यूज ऑफ द पास्ट टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद स्किल्स असेंशियल टू लिव सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइव एंड प्रेजेंट सोसाइटी एसेंशियलिज्म स्कूल ये कहता है कि आप नॉलेज को महफूज करें वैल्यूज़ को महफूज़ करें ऑफ पास पास्ट की माजी की वैल्यूज़ को महफूज़ करें नॉलेज को महफूज करें फिर आप बच्चों को प्रोवाइड करें एक अच्छी स्किल्स के साथ क्योंकि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सके एंड मीनिंगफुल एंड प्रेजेंट सोसाइटी जो उसकी प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें अच्छे अंदाज में रहें प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर देयर लाइफ बाय कंसंट्रेटिंग ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ पास्ट कि बच्चों को इंडिविजुअल को इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है कि वो माजी के कल्चर को माजी की रिवायात को सामने रखते हुए अपनी वो जिंदगी गुजारें दर्पज़ ऑफ़ द स्कूल इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी थ्रू करिकुलम स्कूल का ये पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को आप इस तरह प्रिपेयर करें क्या वो सोसाइटी में वो एक अच्छा रोल अदा करें थ्रू करिकुलम एक ऐसा करिकुलम आप अडॉप्ट करें फोकस ऑन बेसिक स्किल्स ऐसा आपके पास करिकुलम होना चाहिए जो बेसिक स्किल्स पे फोकस करे ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट जो ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट है ठीक है उस पे वो फोकस करें विलियम्स बैगले वाज द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर हैज प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रांसमिट यूजफुल स्किल डेमिक सब्जेक्ट का जो प्राइमरी मकसद यही है टू ट्रांसमिट यूजफुल स्किल जो हमारी यूजफुल स्किल्स हैं जो पास्ट की यूजफुल स्किल्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाए स्टूडेंट तक एसेंशियलिज्म आर्ग्यूड दैट टीचर मस्ट बी रिटर्न टू ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन प्लेस इन क्लासरूम एज डिस्पेंसर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स अच्छा आपको बताऊं जो प्रोग्रेसिविज्म है इससे पहले जो फिलोसफी थी एसेंशियलिज्म पे प्रोग्रेसिविज्म उसने कहा है कि टीचर का कोई रोल नहीं होना चाहिए टीचिंग में जो इसका जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए टीचर को जस्ट गाइड रहना चाहिए जस्ट सेली रहना चाहिए जो कि प्रीमियलिज़्म ने कहा कि जो और... टीचिंग मेथड है वो टीचर सेंटर होना चाहिए स्टूडेंट के कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए जो उसको पढ़ाया जाए बस उसी पर फोकस करें तो फिर असेंशलिज़म भी यही कह रहा है उसने प्रोग्रेसिविज्म की जो फ़िलासफी है उसको रिजेक्ट करते हुए उसने कहा है कि टीचर को उसको अपने ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन प्लेस इन द क्लासरूम उसमें वही वो चीज़ इख्तियार कर लें अथॉरिटेरियन स्टाइल इख्तियार कर रहे हैं एज डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स वो नॉलेज और स्किल्स के फैलाए प्रिपेयर द इंडिविजुअल टू लिव इंडिविजुअल को आप इस तरह प्रिपेयर करें कि वो रहने के काबिल हो जाए अकॉर्डिंग टू दियर करंट सोसाइटी जो करंट सोसाइटी के हालात वगैरह हों उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करे ये असेंशियलिज्म कह रहा है प्रीनियलिज्म फोकस मोर ऑन दैल्यू द स्टडी ऑफ क्लासिक्स फॉर दिक्रीनियलिज्म का फोकस क्या है वो क्लासिक वैल्यूज पे है ठीक है बिकॉज दे हेल्प इंडिविजुअल टू बिकम लिबरली एजुकेटेड ताकि वो इंडिविजुअल uh, जो है वो लिबरली एजुकेट हो जाए इसलिए उसने कहा है क्लासिक वैल्यूज पे जोर दें यह प्रेनिज कह रहा है असेंशियलिज्म क्या कहता है असेंशियलिज्म फोकस मोर ऑन यूटिलिटेरियन वैल्यूज ये कहता है जो इंडिविजुअल का फोकस है वो कहता है वो उसका यूटिलिटेरियन वैल्यूज होना चाहिए यूटिलिटेरियन मीन ऐसा एक्शन जो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाए ऑफ दिस ग्रेट वर्क्स दैट हेल्प्स individual develop हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जब आप यूटेटेर वैल्यू को आप अडोप्ट करेंगे या आप उस पर फोकस करेंगे तो इसका फिर फायदा क्या होगा वो डेवलप हो गई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी एंड एक्वायर नॉलेज और नॉलेज हासिल होगा जबकि इससे पहले प्रेनिलिज्म यही कहता है कि कि आप क्लासिक वैल्यूज़ पे फोकस करें इससे बंदा लिबरली एजुकेटेड हो जाता है असेंशियलिज्म इज बेस्ड ऑफ ऑफ द फिलोसफीज ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म अच्छा ये एक फ्रेज़ है बेस्ड ऑफ ऑफ ये एक अमेरिकन फ्रेज है जिसका यही मतलब है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन जो है ना ये ब्रिटिश फ्रेज है तो कहते हैं फिलोसफीज़ का जो बेस है बुनियाद है वो आइडियलिज्म और रियलिज़म की है असेंशिज्मू द ट्रेडिशनल इसको जब वो असेंशियल को रेफर करते हैं तो ये ट्रेडिशनली है ठीक है ट्रडिशनियल और प्रीनियलिज्म वो भी ट्रेडिशनल है या बैक टू बेसिक्स अप्रोच टू एजुकेशन ये इसके अप्रोच हैं असेंशियलिज्म के अप्रोच कौन कौन से हैं एक ट्रेडिशनल है और बैक टू बेसिक्स है अब आपको बताऊंगा बैक टू बेसिक्स है क्या ये देखें It contends that school should not try to radically reshape this uh, society. Contends mean uh, assertion, करना uh, School should not try to radically reshape. School जो society ko radically reshape society na kare. Its named come from the striving uh, to instill uh, students with the essential of academic knowledge and character development. ठीक है इसका यही है कि स्कू, स्कूल कोशिश करते हैं इसलिए लिहाज के स्टूडेंट जो है ना वो एक एकेडमिक नॉलेज को हासिल करें और करैक्टर डेवलपमेंट करें और इसमें अपने करैक्टर की डेवलपमेंट करें असेंशियल करिकुलम जो असेंशलिज्म का करिकुलम है वो हम पढ़ने वाले हैं असेंशियल एक्सेप्ट द आइडिया दैट दिस कोर करिकुलम में चेंज कोर करिकुलम का मतलब यही है ये जो हमारे स्किल्स हैं या हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्कूल के सब्जेक्ट हो गए कॉलेज के सब्जेक्ट हो गए ये सब्जेक्ट तमाम इंडिविजुअल के लिए तमाम सोसाइटी के लिए यूनिवर्सल होने चाहिए तो ये कोर करिकुलम में आता है असेंशियल स्किल्स अभी असेंशियल स्किल्स क्या हैं हमारे पास थ्री आवर्स हैं रीडिंग राइटिंग एंड रिथ ये है हमारे असेंशियल uh, हैं और बेसिक एकेडमिक स्किल्स हैं एंड सब्जेक्ट कौन से हैं इंग्लिश अरिथमेटिक साइंस हिस्ट्री एंड फॉरेन लैंग्वेज आर पार्ट ऑफ करिकुलम ये करिकुलम का हिस्सा है कौन कौन से हैं थ्री आवर्स हैं रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक है इंग्लिश साइंस एरिथमेटिक हिस्ट्री है एंड फॉरन लैंग्वेज है नेक्स्ट लाइन यही है स्कूलिंग शुड भी प्रैक्टिकल स्कूल प्रैक्टिकल जो भी उनके पास आइडियाज आए जो भी प्रिंसिपल्स आए उसने उसको फिर प्रैक्टिकल में लाना है प्रैक्टिकल कराना है प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू बिकम वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द स्टूडेंट्स उसने स्टूडेंट को इस तरह प्रिपेयर करना है कि वो सोसाइटी के एक वैल्यूएबल एक uh, uh, मुआज एहतराम वाले स्टूडेंट्स बन जाए इट फोकस ऑन फैक्ट्स द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑन देयर द बेसिक्स इसका जो फोकस है वो एक फैक्ट बेस पे होना चाहिए एक बेसिक बेस पे होना चाहिए ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू रीड स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग देनी है भाई रीड करो राइट करो स्पीक करो कंप्यूट करो क्लियरली एंड लॉजिकली असेंशियलिज्म इज प्राइमरी टीचर सेंटर ये टीचर सेंटर है ठीक है और प्रीनियलिज्म भी टीचर सेंटर है जो प्रोग्रेसिविज्म है वो स्टूडेंट सेंटर है Essentialism often एडवोकेट्स the use of summative assessments, standardized tests to determine the student mastery of these topics. टू गेज देयर एबिलिटी लेवल्स लेलिज्म कहता है भाई बच्चों से समेटिव समेटिव असेसमेंट असेसमेंट करो कराओ ठीक है असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का यह है कि वाइल्ड टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग अब जो भी उसमें टे, टेस्ट वगैरह लेते हैं वो उसकी जो आप प्रिपरेशन कराते हैं किसी एक टॉपिक पे वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो समेटिव असेसमेंट है जिसपे आप ग्रेड वगैरह देते हैं तो वो असेंशियलिज्म कहता है तो समेटिव असेसमेंट लें आप स्टूडेंट से स्टैंडर्डाइज टेस्ट और स्टैंडर्डाइज uh, टेस्ट आप स्टूडेंट से लें टू डिटर्मिन स्टूडेंट मास्टरी ऑफ दब्जेक्ट आप ये देखें कि क्या टॉपिक का जो स्टूडेंट्स uh, की मास्टरी लेवल है जिस जिस टॉपिक ने उसने जिस टॉपिक को उसने सीखा है एंड टू गेज देयर एबिलिटी लेवल्स उनकी जो एबिलिटी लेवल है उनको मेजर करें किस तरह मेजर करें सबमेटिव uh, असेसमेंट से मेजर करें एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट से मेजर करें स्टूडेंट हु हैव नॉट मास्टर्ड दि टॉपिक्रेड अगर वो एक क्लास के सब्जेक्ट का या एक क्लास के करिकुलम का या टॉपिक का अगर वो मास्टर नहीं है ठीक है ये असेंशियलिज्म कह रहा है मस्ट रिपीट दिस सब्जेक्ट उसको रिपीट कराओ बिफोर दे कल प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट कि अगरचे वो जो उसको नेक्स्ट लेवल पर आप उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं अगर वो उस मीआर का नहीं है उसमें अगर मास्टरी लेवल नहीं है तो आपने उनको वो टॉपिक रिपीट कराने हैं विलियम बैगले बिकम द फेमस एज वन ऑफ द फर्स्ट असेंशल बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ असेंशियल एजुकेशन सोसाइटी ये जो विलियम बैगले है ये असेंशलिस्टम एजुकेशन सोसाइटी का फाउंडर है एंड अदर ऑफ़ एजुकेशन एंड इमरजेंट मैन ये एजुकेशन एंड इमरजेंट मैन का अदर है इसका राइटर है अ जर्नल ये जो एजुकेशन एंड इमरजेंट मैन है ये बुक का नाम नहीं है किसी नावल का नाम नहीं है बल्कि ये जर्नल है डिफेंडेड द दिफेंडेड प्रैक्टिस उसने असेंशियल प्रैक्टिस को डिफेंड किया है उसको बचाया है एंड डिस्कस हाउ प्रोग्रेसिविज्म व हार्मफुल कि प्रोग्रेसिविज्म किस तरह हार्मफुल है टू एजुकेशन एंड कंट्री में ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं इसको एक डिटेल में कि किस तरह असेंशियलिज्म ने प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी पे अटैक किया है तो एक जर्नल का यहां पे नेम दिया हुआ है एजुकेशन एंड इमरजेंट मैन ये किसका है ये विलियम बैगले का है विलियम बैगले कहते हैं हाउ टू प्रोडेक्टिव बंदे को किस तरह होना है किस तरह चीजों को प्रोड्यूस होना है हाउ टू लिव एज प्रॉपर सिविलियन किस तरह उसको लेना है एज ए अच्छे और प्रॉपर सिविलियन के तहत मुरैल इन करेक्टर शुड बी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द करिकुलम ये जो असेंशियलिज्म का करिकुलम है उसमें मोरल और करेक्टर जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं एज वेल well, इसी तरह अब पढ़ते हैं टीचर रोल क्या है असेंशलिज्म का टीचर इज अथॉरिटी इज इन हिज और हर फील्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू टीचर जो है ना वो अथॉरिटी है लेकिन वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को जब टीच करेगा तो ट्रेडिशनल वैल्यू को क्लियरली टीच करेगा आर द मेन फोकस ऑफ टीचिंग उसके टीचिंग का जो मेन फोकस है वो यही है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को पढ़ाएं जिस तरह प्रनीलियलिज्म ट्रेडिशनल वैल्यूज को अहमियत देता है एसेंशियलिज्म अर्ज दैट द मोस्ट एसेंशियल ज बेसिक एकेडमिक स्किल्स एंड नॉलेज टू बी टॉट टू ऑल स्टूडेंट्स एसेंशियलिज्म कहता है स्टूडेंट्स को बेसिक एकेडमिक स्किल्स और बेसिक नॉलेज पढ़ाएं एलिमेंट्री स्टूडेंट रिसीव द इंस्ट्रक्शन एंड स्किल्स एलिमेंट्री स्कूलों को आपने इंस्ट्रक्शन uh, देनी है कि वो राइट करें रीड करें मेजरमेंट करें एंड कंप्यूटर को भी वो सीखें थैंक यू सो मच आज का जो हमारा लेक्चर uh, था थाजम वो हमारा कंप्लीट हो गया है थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज मी अल्ला हेल्प यू